राम राम किशन भाइयों, आज मैं आया हूँ महिंद्रा के शोरूम जो कि बदनार में है, और आज आपके लिए लेकर आया हूँ महिंद्रा यूवो टेक प्लस 575 DI ट्रैक्टर। देख लीजिए, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है ये। देख लीजिए, आइए इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट लुक से। ये देख लीजिए ट्रैक्टर का कुछ फ्रंट से लुक है। फ्रंट है मैं आपको यहाँ पर बम्पर मिल जाता है, देख लीजिए काफ़ी शानदार बात है। यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो, फ्रंट हेडलाइट, और यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइन मिल जाती है। वन पीस आपको इसमें बोनेट मिलता है जो कि आगे की तरफ खुलता है। इसका फ्रंट एक्सल की अगर बात करें तो आपको इसमें हेवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिल जाता है। फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो 750/16 का आपको इसमें हेवी फ्रंट टायर मिलता है। वहीं पावर स्टीयरिंग की अगर बात करें तो आपको इसमें ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, बहुत ही शानदार बात है। जो आइए अब हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपको इसमें 4 सिलेंडर 2980 CC का आपको इसमें इंजन मिलता है जो कि 47 HP का है, और यह 2000 रेटेड RPM पर अपनी मैक्स पावर प्रोड्यूस कर देता है। एयर क्लीनर की अगर बात करें तो आपको इसमें ड्राई टाइप का एयर क्लीनर मिलता है। ये देख लीजिए बहुत ही शानदार ट्रैक्टर। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स भी मिल जाता है। आइए अब हम इसके ऊपर चढ़कर इसके प्लेटफॉर्म वगैरह की बात करते हैं। यहाँ पर आपको चढ़ने के लिए पायदान फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलता है, हल्का सा ही बम्प मिलता है, काफ़ी खुला डुला प्लेटफॉर्म इसका ट्रैक्टर का है। ये देख लीजिए आपको काफ़ी छोटे साइज की आपको स्टेम में स्टीयरिंग मिल जाती है, काफ़ी शानदार। मीटर की बात करें तो आपको इसमें डिजिटल मीटर मिल जाता है, डैशबोर्ड जो कि देख लीजिए ओवर मीटर वगैरह सब यहाँ पर आपको शो कर देगा, बहुत ही शानदार बात है। डीजल टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको डीजल टैंक देख लीजिए, सेफ्टी लॉक के साथ में आता है आपका इसको डीजल टैंक। यहाँ पर आपको मिरर और साइलेंसर की अगर बात करें तो ये देख लीजिए कुछ साइड से साइलेंसर मिलता है आपको जो कि प्रोटेक्शन के साथ आता है, मतलब जाली के साथ भी आता है, अगर किसी का हाथ इस पर चला भी जाए तो जलने वलने की समस्या नहीं रहेगी। बैटरी बॉक्स आपको इसमें साइड से मिल जाता है, देख लीजिए काफ़ी शानदार बात है। जो काफ़ी कंपनियाँ आगे देती है, काफ़ी कंपनियाँ इसको साइड में भी देती है। स्विचेस की अगर बात करें तो आपको इसमें मल्टी फंक्शनल स्विच मिलता है, हॉर्न, फ्रंट हेडलाइट और इंडिकेटर का स्विच। यहाँ पर आपको हेडलाइट फ्रंट, और यहाँ पर आपको हैंड रेस का लीवर, यहाँ पर इंजन स्टॉप के लिए लीवर, चाबी के लिए यहाँ पर आपको साइड से मिल जाता है, इंजन स्टॉप के लिए लीवर मिल जाता है। यहाँ पर देख लीजिए 12 वोल्ट का सॉकेट और स्टोरेज भी दी गई है थोड़ी मोबाइल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर हज़ार्ड लैंप का आपको स्विच मिल जाता है। आइए अब इसके क्लच की अगर हम बात करें तो आपको इसमें ड्यूअल क्लच मिलता है, देख लीजिए यहाँ पर मेंशन भी है, ड्यूअल क्लच मिलता है आपको इसमें। ब्रेक की अगर बात करें तो ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको इस ट्रैक्टर में, काफ़ी शानदार बात है। रेस की पोजीशन कुछ यहाँ पर है। आइए अब इसके हम गियरबॉक्स की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए आपको इसमें हाई लो मीडियम 15 स्पीड वाला आपको इसमें गियरबॉक्स मिल जाता है, देख लीजिए काफ़ी शानदार बात। लिफ्ट की अगर बात करें यहाँ पर आपको लिफ्ट के कंट्रोल, DC और PC लीवर मिल जाता है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक और डबल डिस्ट्रीब्यूटर का जो लीवर है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये देख लीजिए ये आपको यहाँ पर मिल जाता है डबल डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल लॉक का लीवर, ये देख लीजिए डिफरेंशियल लॉक का लीवर भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको PTO का लीवर मिल जाता है। आइए अब इस ट्रैक्टर के पीछे चलकर इसके पिछले हिस्से, इसके PTO पावर, इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए ये कुछ ट्रैक्टर का पीछे से लुक है। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1700 kg की आपको इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। PTO HP की अगर बात करें तो आपको इसमें 43.1 की आपको इसमें PTO HP मिल जाती है। 2 पॉइंट सेंसिंग आपको इसमें लिफ्ट मिलती है, देख लीजिए यहाँ पर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर के, यहाँ पर आपको एक सॉकेट मिल जाता है ट्रॉली में लाइट वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बोनेट की अगर बात करें तो डिलक्स आपको इसमें बोनेट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिए बैक हेडलाइट, यहाँ पर इंडिकेटर, काफ़ी शानदार बात है। इसके बैक एक्सल की अगर बात करें तो आपको इसमें पैलेंट्री डाइव स्ट्रेट एक्सल मिलता है, काफ़ी हेवी ड्यूटी, देख लीजिए काफ़ी हेवी एक्सल है, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। महिंद्रा की ओर से अगर किसान भाई कोई सा ट्रैक्टर देख रहा है अपने लिए तो इस ट्रैक्टर को ज़रूर देखे, महिंद्रा यूवो टेक प्लस 575 DI डीजी सेंसिंग के साथ में जो आता है ट्रैक्टर, काफ़ी शानदार। लिफ्ट कंपनी ने बहुत सारे बदलाव किए हैं इस ट्रैक्टर में, बहुत ही शानदार बात है। जो